हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉन्क आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा और उन्हें पढ़ा होगा तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन जो कि है क्लास टेंथ का चैप्टर का टॉपिक ठीक है चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस को हमने शुरू किया है इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इसे और क्या कहते हैं सर्कुलेशन भी कहते हैं ठीक है थीके? तो आज हम ये देखने वाले हैं अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको देखिए पहले फिर आप इसको समझिएगा ठीक है चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम कंपोज ऑफ द हार्ट आर्टरीज वेन्स एंड ब्लड कैपलिरीज ठीक है तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में किस किस चीज से कम्पोज होता है वो होता है सबसे पहले हार्ट उसके बाद क्या पाया जाते हैं आर्टरीज वेन्स ब्लड कैपेलरीज ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं जिससे मिलके एक क्या बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होता है उसके बाद देखते हैं कि ब्लड क्या करता है एक कैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो कि क्या करता है एक चीज को दूसरे चीज तक पहुंचाने में काम करता है यानी कि कैरियर का काम करता है अब यहाँ पे एक डायग्राम है ये किसका डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बनाना आना चाहिए तो चलिए देखते हैं इसके बारे में तो चलिए समझते हैं अब हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम इसकी सबसे पहले लेबलिंग देखते हैं कि क्या क्या लेबलिंग है तो ये जो सबसे पहले आपको ओपनिंग दिख रही है इसे बोलते हैं एरोटा यहाँ पे होता है वेना कावा जो कि क्या होता है अपर बॉडी का वेना कावा होता है उसके बाद उस आ, क्या होता है राइट आर्ट्रियम होता है इधर साइड पे राइट आर्ट्रियम मिलेगा उसके बाद होगा वेना कावा जो कि किसका होगा लोअर बॉडी मतलब पहले जो आपको मिल रहा है वो अपर बॉडी मींस अपर पार्ट का होगा सेकेंड जो कावा होता है वो लोअर बॉडी फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बाद आपको देखने को मिलता है सेप्टम सेप्टम होता है डिवाइडिंग वॉल जो कि क्या कर रहा है इस वाले पार्ट को इस पार्ट से अलग कर रहा है सेप्टम इज डिवाइडिंग दी पार्ट्स उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल उसके ऊपर क्या आता है आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट साइड में है तो उसके ऊपर आती है पल्मोनरी वेन्स उससे ऊपर आती है पल्मोनरी आर्टरीज फिर आता है अरोटा जहां से शुरू हुआ था तो ये जो है इसकी लेबलिंग है बहुत ईजी है लेफ्ट साइड वाली चीजों को आप लेफ्ट वाले लेबलिंग कर लेंगे ठीक है और सेम यहां पे क्या हो जाएगा राइट वाली साइड राइट जैसे आप इसको लेबल कर देंगे तो समझते हैं कि हार्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये क्या होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किससे कंपोज्ड होता है कार्डियक मसल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट आ, कौन सी मसल से बना होता है ये क्या होता है कार्डियक मसल के थ्रू फॉर्म होता है और ये मतलब छोटा होता है इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है ये एक Uh, आप कह सकते हैं जो अडल्ट इंसान होता है उसकी मुट्ठी में भी फिट आ सकता है तो इतना इसका जो होता है साइज होता है बहुत बड़ा नहीं होता है uh, फिर उसके बाद देखते हैं ये एक पंपिंग ऑर्गन है पंपिंग ऑर्गन का कहने का मतलब है कि कोई चीज क्या होती है फ्लो uh, में जा रही है मतलब आपने देखा होगा बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है इंस्ट्रूमेंट उसमें uh, हम क्या करते हैं एयर एयर को देखते हैं फ्लो होते हुए लेकिन ये जो पंपिंग ऑर्गन है ये क्या पंप करता है ये पंप करता है ब्लड को पंपिंग ऑर्गन आप एक तरीके से और समझ सकते हैं जैसे आप साइकिल में या फुटबॉल में आप हवा भरते हैं तो वो पंप का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या करते हैं पहले आप हवा को खींचते हैं फिर उसके बाद किस में डालते हैं फुटबॉल में डालते हैं तो ये इसी तरीके से काम करता है ये क्या करता है ब्लड आ, सप्लाई करता है ब्लड में ऑक्सीजन की है ना तो आ, ब्लड को पंप करता है उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके चार चैम्बर पाए जाते हैं कितने चैम्बर पाए जाते हैं चार ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए ह्यूमन हार्ट जो होता है चार चेंबर का बना होता है फोर चेंबर यहां पे होते हैं सबसे पहला होता है राइट right आर्ट्रियम फिर होता है राइट uh, वेंट्रिकल right फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट आर्ट्रियम ये चार जो है इसके कॉम्पोनेंट हैं जिससे मिलके हार्ट जो है हम चार चेंबर का बोल रहे हैं समझ में आया उसके बाद देखते हैं कि दो टर्म क्या होती हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन सिस्टोल एंड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है सी से होता है कॉन्ट्रेक्शन और सिस्टोल सौ so का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन किसका कार्डियक मसल्स का ठीक है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स अब हम देखते हैं आर्टरीज के बारे में ठीक है इसके बारे में अभी हमने देखा था ह्यूमन हार्ट में लेबलिंग आपने देखी थी तो ये क्या होता है हार्ट का एक पार्ट uh, होता है तो देखिए क्या होता है आर्टरीज uh, मतलब होता है कि ये किसकी बनी होती है थिक वॉल थिक मतलब मोटी वॉल uh, होती है किसकी ब्लड वेसल्स की वेसल्स मतलब होता है पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे uh, क्या होगा ब्लड के लिए है तो यानी कि ब्लड क्या होगा फ्लो होगा इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन्स ठीक है ये क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है यानी कि जो जिस ब्लड में क्या होगा ऑक्सीजन मिली हुई होगी उस ब्लड को कैरी करता है कहां से हार्ट से और किधर पहुंचाता है ऑर्गन्स में जितने भी बाकी ऑर्गन्स है उधर ये क्या करेगा उस ब्लड को फ्लो करेगा यानी कि आर्टरीज का काम क्या होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां पहुंचाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है ठीक है यानी कि पल्मी आर्टरीज में क्या होता है ये एक एक्सेप्शन है किस लिए क्योंकि इनमें क्या होता है ये क्या कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इनके जो ब्लड कैरी करने का तरीका है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है डी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड होगा ये उसको क्या करती है कैरी करती है हार्ट से ले जाती है टू द लंग्स लंग्स में ले जाने का ये कारण है क्योंकि लंग्स क्या करता है ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड कर देता है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और ये कहाँ लेके जाती हैं लंग्स में लेके जाती हैं जहां इसको फिर क्या किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है अब देखते हैं वेन्स वेन्स क्या होती हैं uh, ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल होती हैं ये भी क्या होती हैं ब्लड वेसल होती हैं यानी कि ब्लड के लिए पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है बॉडी में तो और जैसे हार्ट में होती है वेन्स वैसे ही आपने देखा होगा हाथ पैरों में भी वेन्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड कैरी किया के जाता है तो ये थिन वॉल्ड होती है बहुत पतली सी होती हैं ये क्या करती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जितने भी ऑर्गन है वहां से लेके आती है और कहाँ पहुंचाती है हार्ट में पहुंचाती है ठीक है ये मेन फंक्शन है वेन्स का क्या होता है कि ये क्या करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जितने भी ऑर्गन है वहां से सब जगह से इकट्ठा करके लेके आती है कहां पहुंचा देती है फिर हार्ट में पहुंचा देती है अब हम देखते हैं पल्मोनरी वेन्स का क्या काम है दे आर ऑल्सो एक्सेप्शन ठीक है ये भी क्या है एक्सेप्शन है यानी कि कुछ हटके इनमें काम हो रहा है इसीलिए इनको एक्सेप्शन कह रहे हैं बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं जबकि वेन्स क्या करती हैं सिंपली वेन्स जो होती हैं वो डी ब्लड को कैरी करती हैं दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट लेकिन जो पल्मोनरी अगर नाम के आगे पल्मनरी आ जाएगा तो उसमें क्या होता है ये एक्सेप्शन केस बन जाता है बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहा जाता है हार्ट में चला जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्व वॉल्व क्या होते हैं ये कहा प्रेजेंट होते, है? होते हैं वेन्स में प्रेजेंट होते हैं जितनी वेन्स होती है वहां पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड अब क्या हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम हो रहा है ठीक है ब्लड आ रहा है जितना भी डी ब्लड है वो लंग्स uh, में आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है लंग्स से uh, हार्ट की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या आ, किस चीज का डर है बैक फ्लो हो सकता है आ, ब्लड का क्योंकि इतना प्रेशर हो रहा है उसके पास आ रहा है और फिर उसके बाद प्योरीफाई करके उसे जाना है तो इसको मतलब बैक फ्लो ना हो इसके लिए क्या होता है वॉल्वस लगे होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते, है? होते हैं वेन्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक है वेन आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये समझ में आ गया होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर रिलीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो वहां पे वॉल्व की जरूरत होती है ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो यानी कि बाहर ना निकल आए ये सारी प्रोसेस जो इजीली हो जाए नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिलरीज के बारे में कैपिलरीज क्या होती हैं दीज आर ब्लड वेसल्स वेसल्स क्या होती हैं पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है ठीक है जैसे आपने पाइप देखा होगा तो ऐसा ही क्या होता है ब्लड को कैरी करने के लिए भी वेसल्स होते हैं विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स और ये क्या होती हैं जो भी कैप cap, जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल सेल की बनी हुई होती हैं ठीक है थीके? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अब हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में ठीक है ब्लड के बारे में सभी ने सुना होगा है ना हमारी बॉडी में जो फ्लो होता है वो क्या होता है ब्लड होता है जब हमें चोट लगती है तो क्या निकल के आता है ब्लड निकल के आता है ये क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कौन सा टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक है इट एक्ट एज कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस यानी कि बॉडी में जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो किसके थ्रू पूरे के पूरे ऑर्गन्स में पहुंचती है ब्लड ही उसको सर्कुलेट करता है ठीक है ब्लड जो है मेन कॉम्पोनेंट है जिससे कि क्या हो रहा है सारे का सारा कैरियर का, का काम हो रहा है बॉडी में तो ब्लड के भी कुछ टाइप होते हैं जिससे वो क्या होता है मिलके बना होता है पहला होता है प्लाज्मा सेकेंड होता है ब्लड सेल्स थर्ड होता है प्लेटलेट्स तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है ठीक है इजीली समझेंगे बहुत इजी है सब कुछ अपनी बॉडी के बारे में हम समझ रहे हैं सारी चीजें ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है एक पेल कलर का लिक्विड होता है लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है ज्यादातर इसमें क्या होता है वॉटर मतलब लिक्विड है तो इसमें वाटर जो होता है मात्रा ज्यादा होती है इट फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जितना भी ब्लड का मैट्रिक्स होगा यानी कि ब्लड के पास जो सरफेस होगी उसका ज्यादातर हिस्सा कौन बनाता है ब्लड प्लाज्मा बनाता है ठीक है ये हो गया ब्लड प्लाज्मा की बात अब सेकेंड जो इसका कॉम्पोनेट है वो है ब्लड सेल्स अब ब्लड सेल्स में क्या आती है दो तरीके की सेल्स आती हैं सबसे पहली होती है रेड ब्लड सेल्स सेकेंड होती है व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को हम डब्ल्यूवीसी भी बोलते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर बिकॉज द पिगमेंट हीमोग्लोबिन ये रेड क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ दी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ओवर हेयर तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्यों क्योंकि ये क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है इट ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन है ना और ये क्या होता है हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि ये इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिससे मिलकर ये बना होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हीम प्लस ग्लोबिन ग्लोबिन इज अ प्रोटीन तो इसका काम क्या होता है एक तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कुछ कुछ पार्ट में ये क्या करता है कार्बन uh, डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं पेल वाइट इन कलर होती हैं यानी कि थोड़ा सा uh, कम वाइट कलर बोल सकते हैं उसको प्योर वाइट नहीं बोलेंगे पेल वाइट इन कलर एंड दे आर दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इसका जो डे होता है मैक्सिमम uh, वो होता है फोर्टीन डेज के लिए ये प्रेजेंट uh, रहती है उसके बाद ये डेड हो जाती है अब हम देखते हैं कि uh, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं बॉडी में मेनली फाइट करवाने का काम करती है जो भी आपकी बॉडी में अगर कुछ भी आ, क्या हो गया है अगर बीमारी हो गई है तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं उस बीमारी से फाइट कर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए डब्लू का अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है इसलिए बोलते हैं कि अच्छा हेल्दी खाना खाइए जिससे कि आपकी क्या हो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उससे क्या होगा डब्लू जो होंगे वो डेवलप होंगे उसके बाद स्प्लीन की बात करते हैं स्प्लीन क्या होता है प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दें तो ये क्या हो जाता है स्प्लीन इसे हम बोलते हैं स्प्लीन क्या होता है इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी आर का डेथ होता है तो वो सारी कहाँ चले जाती हैं स्प्लीन में चले जाती हैं यानी कि स्प्लीन क्या करता है एक तरीके से सारी डेड आरबीसी जितनी होती है उनको रिमूव करने का काम करता है और आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है आरबीसी का और इसके एक्सेप्शन क्या है कैमल जो होता है इसमें क्या होता है आरबीसी का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कैमल एंड लामा जो होता है इसमें आरबीसी का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं अच्छा आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो वन ट्वेंटी डेज का होता है ये वन ट्वेंटी डेज तक अलाइव होती है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये मैं बता चुकी हूँ थर्ड हम देखते हैं जो ब्लड का कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड को कभी जब हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा वहां पे फिर ब्लैक ब्लैक सा होने लगता है ठीक है ब्लैक ब्लैक से आपने देखा होगा कवर चढ़ जाती है तो उसमें कौन हेल्प करता है प्लेटलेट्स मेनली हेल्प करती हैं। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो वो क्या होगा ब्लड जो होगा चोट लगने पे निकलता ही रहेगा निकलता ही रहेगा और रुकेगा नहीं तो उससे क्या होगा बहुत दिक्कत हो जाने वाली है अगर चोट लग गई तो फिर ऐसे ब्लड नहीं रुकेगा तो क्या होगा बॉडी से सारा ब्लड निकल आएगा तो और क्या होता है ब्लड को इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इट प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इफ यू गेट इंजर्ड तो हम समझते हैं के बारे में ये क्या होता है सिमिलर टू ब्लड होता है लेकिन इसमें आरबीसी जो होते हैं एबसेंट होते हैं सिमिलर टू ब्लड कहने का मतलब ये है कि ये एक फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है और कहा से शुरू होता है ये आता है ब्लड कैपेलरीज के थ्रू निकलता है सीक्रीट होता है और किधर इसका लोकेशन होता है मतलब इसे जाना कहाँ होता है ये जाना होता है इं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ठीक है ये दोनों जो है सेम डेफिनेशन टाइप है इसके बारे में अलग अलग इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है लिम्फ फिजर येलोइ फ्लूड एस्केप फ्रॉम दी ब्लड कैपलरीज निकलता कहां से है ब्लड कैपलेरीज से किस कलर का होता है येलोइश फ्लूड की तरह होता है और किधर पहुंचता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो भी खाली जगह है उधर इसका पहुंचने का काम होता है और इसमें क्या होता है कम प्रोटीन ये कंटेन करता है इन कंपेयर टू ब्लड ब्लड से अगर हम कंपेयर करें तो इसके पास कम प्रोटीन पाई जाती है फोर्थ पॉइंट है ये क्या करता है जितने भी अगर जर्म्स हो गए हैं कहीं बॉडी में तो लिम्फ का, का काम होता है कि इन जर्म्स को ये क्या करें डिस्ट्रॉय कर दे और बैक्टीरिया अगर हो गए हैं तो बैक्टीरिया को क्या कर दे खत्म कर दे उसके बाद ये जो बॉडी में फ्लूड होता है उसको बैलेंस करने का भी काम करता है तो ये क्या हो गया लिम्फ का काम हो गया अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस ठीक है डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है दो बार किसी चीज का सर्कुलेशन हो रहा है पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें अच्छा जो ह्यूमन uh, में सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है uh, अ यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन में जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है चलिए देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है इन ह्यूमस ह्यूमन हार्ट वन कार्डियक साइकिल ब्लड पासिस थ्रू दी हार्ट ह्यूमन जो कार्डियम होता है ब्लड जो होता है वो दो बार पास करता है डबल तो सर्कुलेशन कहते, है? कहते हैं कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं अब यह समझते हैं ठीक है कार्डियक साइकिल क्या होती है वन कंप्लीट हार्टबीट जब हमारे पास जैसे हम सांस लेते हैं तो एक बार हमने सांस क्या किया अंदर लिया और उसके बाद हमने बाहर छोड़ा तो ये क्या होती है कंप्लीट हार्ट बीट हमारी हुई है ना तो इसको क्या बोलते हैं इसमें क्या होता है हार्ट जो होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर उसके बाद एक बार क्या होता है रिलैक्स होता है तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल तो डबल सर्कुलेशन का क्या यहाँ पे डेफिनेशन था ये था कि वन कार्डियक साइकिल इन वन कार्डियक साइकिल ब्लड पासिस हार्ट तो यानी कि एक कार्डियक साइकिल जैसे हम सांस अंदर ले रहे रहे हैं हैं फिर बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसमें जो ब्लड होता है है वो दो बार पास करता हार्ट से ठीक है कैसे एक तो डी ब्लड जो हमारी बॉडी में सीओ बाहर निकलती है तो यानी कि वो क्या होती है इम्प्योर ब्लड होता है यानी उसमें सीओ मिक्स होती है वो एक बार बाहर आया और उसके बाद हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा फ्लो करेगा तो यानी दो बार जो हो रहा है ब्लड का फ्लो हो रहा है हार्ट से इन वन कार्डियक साइकिल एक कार्डियक साइकिल का कहने का मतलब क्या है एक कंप्लीट हार्ट बीट जिसमें क्या होता है हार्ट uh, का जो चैंबर होता है वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है तो इसे हम क्या करते हैं कार्डियक साइकिल कहते हैं एक नॉर्मल अडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आता है कि इन वन कार्डियक साइकिल हार्ट पम्प सेवेंटी मिलीलीटर ब्लड तो एक कार्डियक साइकिल में यानी कि एक बार सांस लेने में और एक बार छोड़ने में कितना हार्ट कितना ब्लड को पंप करता है सेवेंटी मिलीलीटर तो इसका मतलब एक मिनट में कितना ब्लड पंप होगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड मिलीलीटर ठीक है अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन का जो एक दूसरा पॉइंट है इट इंश्योर्स कंप्लीट सेगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसका मतलब यह है कि ये एक साइकिल जो चल रही है कार्डियइकिल जो चल रही है इसमें एक बार क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाएगा और उसके बाद जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा बाहर आएगा तो नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ठीक है जैसे कि ह्यूमन्स एनिमल्स इनमें यह जरूरी होता है कि यहाँ पे क्या हो डबल सर्कुलेशन हो जिससे क्या होता है ऑप्टिमम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है अब जो ये फ्लो चार्ट है ये मैंने सिंपल करने के लिए इसलिए बनाया है ताकि आपको आ, एक ओवरव्यू मिले कि बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे पंप हो रहा है और डी ब्लड जो है वो लंग्स को कैसे पंप हो रहा है ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहा जाता है बॉडी में क्योंकि बॉडी में किसकी नीड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड है लेकिन डी ब्लड को भी हमने प्योरिफाई करना है तो वहां वो कहा चला जाता है वो चला जाता है लंग्स में ठीक है तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपड इन टू दी बॉडी कैसे ये बॉडी में पंप होता है तो लंग्स के पास सबसे पहले ये आता है ठीक है ये कहां पर चलता है लेफ्ट आर्ट्रियम एन दिस सो लेफ्ट पार्ट में ये वाला सारा सिस्टम फंक्शन कर रहा है तो पहला होता है लंग्स में क्या है लंग्स में सबसे पहले ब्लड जाएगा उसके बाद ये क्या होगा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होगा उसके बाद ये कहा जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है जो कि सबसे पहले क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर उसके बाद ये जो ब्लड होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कहाँ चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या होती है एक्सपैंड होती है खुलती है फिर उसके बाद जो सारा ब्लड होता है वो कहा पंप हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इन टू दी बॉडी ठीक है आई होप ये समझ में आयोग आपको मैंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है जो कि कहाँ पंप किया जाना है लंग्स को पंप किया जाना है तो इसमें सबसे पहले तो डी ब्लड जो है आ, वो रहेगा और ये कहाँ चला जाएगा राइट आर्ट्रियम में तो ये सारा जो फंक्शन हो रहा है ये राइट साइड हो रहा है हार्ट के राइट साइड में हो रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं इम्प्योर इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम इसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं बाकी इसका कोई और रीजन नहीं है इम्प्योर कहने का ये कहाँ चला जाता है राइट आर्ट्रियम में चला जाता है वहां से ये एक्सपेंड होगी फिर उसके बाद सारा ब्लड क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किधर चला जाएगा राइट uh, वेंट्रिकल right में चला जाएगा और ये डायलेट होगी फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये सारा ब्लड किधर पंप कर देगी लंग्स में पंप कर देगी और लंग्स क्या करेगा फिर इसको चेंज करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा फिर उसके बाद ये सेम प्रोसेस होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड कहा चला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगी फिर उसके बाद कहा ब्लड को पंप कर देगी लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देगी फिर उसके बाद ये क्या होगी पहले एक्सपेंड होगी ब्लड को लेगी फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करके ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में पंप हो जाता है ठीक है आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ह्यूमंस में सर्कुलेशन होता है ये समझ में आयोग मैंने कोशिश करी कि मैं जितना सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊं तो इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स तो जैसे कि अभी बॉडी में हमने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ब्लड के थ्रू होता है यानी कि सर्कुलेशन जो होता है सारा ब्लड के थ्रू होता है अब लेकिन प्लांट्स में क्या होता है हमको फूड और वाटर जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है वो सारी चीजें हमें देखनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट के पास क्या होते हैं कुछ स्पेशलाइज टिश्यू पाए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन्हें हम क्या कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों को हम क्या बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज भी कहते हैं अब वेस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं जायलम एंड फ्लोएम इनको हम देख लेते हैं इनके क्या पॉइंट्स हैं सबसे पहला है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन जितने भी होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट में ठीक है और इसके बाद ये किससे कम्पोज होता है यानी कि कितने चीजों से मिलके जाइलम बना होता है इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं आई थिंक आपने नाइन्थ क्लास में से पढ़ा होगा तो पहला होता है ट्रेकिट्स फिर होते हैं जाइलम वेसल्स फिर होता है जाइलम पेरेंट कायमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर ट्रेकिट्स और जाइलम वेसल्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स ठीक है अब फ्लोएम में क्या होता है फ्लोएम होता है इट ट्रांसपोर्ट फूड मटीरियल किसी चीज से कंपोज होता है इसके भी कुछ फॉर्म्स हैं क्या है आ, सबसे पहले होता है सिव ट्यूब्स फिर होता है कंपेनियन सेल्स फिर होती है फ्लोएम पेरेंट कायमा और लास्ट में होता है बास्ट फाइबर तो सिव ट्यूब्स जो होती हैं वो होती हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स जाइलम को याद करने का तरीका यह है क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसका जैसे कि जाइलम जो टाइप का प्रोनाउंस आ रहा है तो वाटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं जल तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जाइलम मींस वाटर इसको ये क्या कर रहा है ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम फ्लोएम का ऐसे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और ये क्या करता है फूड मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है तो फ्लोएम फोसे फूड ठीक है आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं और इसके ये कंपोनेंट कम, आपको याद करने जरूरी है क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम देख लेते हैं जब हम प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं सबसे पहला है असेंट ऑफ सैप असेंट ऑफ सैप कहने का मतलब ये है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू तो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स किसका मूवमेंट वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है रूट से जब बाकी अदर प्लांट्स के पार्ट में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं एसेंट ऑफ सैप यानि कि रूट से और मिनरल्स का मूवमेंट टूवर्ड्स शूट एरिया यानी कि uh, तने में रूट से जो पानी और मिनरल्स जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट इसका ऊपर की तरफ को तो इसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप अ uh, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबसे पहला होता है रूट प्रेशर रूट पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है इसका मतलब कुछ काम तब हो रहा है है न uh, जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो उससे सबसे पहले होता है रूट सेल्स वॉल हैज थिन हेयर रूट सेल के पास क्या होती है रूट सेल की जो वॉल होती है उसके पास कुछ थिन हेयर होते हैं जो कि क्या काम करते हैं देखते हैं वाटर फ्रॉम सॉयल एंटर्स दी रूट हेयर ड्यू टू ऑस्मोसिस अब जितना भी पानी आप प्लांट को दे रहे हैं तो वो क्या करता है सॉइल के थ्रू सॉइल uh, से कहां पे एंटर होता है सबसे पहले रूट हेयर्स कभी भी आपने रूट को उखाड़ के देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं पानी को एब्जॉर्व करते हैं किसके थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या करते हैं पानी को अपने अंदर एब्सॉर्व करते हैं लेते हैं ठीक है जिससे कि वो पानी जो है रूट के थ्रू क्या हो अपवर्ड uh, मूवमेंट करते हुए बाकी पार्ट्स में पहुंचते जाए तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वॉटर अप टू द बेस ऑफ स्टेम रूट प्रेशर के कारण क्या होता है वॉटर का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ uh, बढ़ता है ठीक है बेस से कहा जाता है स्टेम की तरफ जाता है बेस मतलब रूट से स्टेम की तरफ बढ़ता है अब देखते हैं कैपिलरी uh, एक्शन क्या होता है कैपिलरी मतलब होता है एक अ uh, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सारी चीजें क्या होती है ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होती है फाइन ट्यूब होती है ये कैरी करती है वाटर को और या फिर कोई भी लिक्विड जो होता है ये इसके थ्रू कैपिलरी के थ्रू क्या होता है पास होता है ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस अब इसमें कुछ फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वॉटर या फिर एनी लिक्विड कैन पास थ्रू फ्रॉम इट तो ये कहाँ पे देखा जाता है कुछ भी जो स्मॉल डिस्टेंस के आ, प्लांट यानी कि छोटे पौधों में ज्यादातर देखा जाता है बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस को कैरी करता है अब नेक्स्ट हम देखते हैं अडेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेशन कोहेशन का मतलब होता है कोई चीज आपस में जब क्या करती है अटैच होती है तो उसको हम बोलते हैं अडेन या कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मतलब H2O के जो मॉलिक्यूल है आपस में कैसे वो क्या कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं फिर उसके बाद प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मेक्स अ कंटिन्यूस कॉलम इन द जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ एडेसन एंड कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक कॉलम के थ्रू वो जाइलम टिश्यू के थ्रू मेनली क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनमें क्या होता है फोर्स लगता है कौन सा एडिशन एंड कोहेशन का जिसकी वजह से ये क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं और साथ में जो है कोहेशन फोर्स के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं उसमें देखते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में तो ट्रांसपिरेशन पुल को समझने से पहले हम समझेंगे ट्रांसपिरेशन ठीक है ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वॉटर का लॉस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स इन प्लांट्स ठीक है ये प्लांट्स में देखने को मिलता है और वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है प्लांट uh, से वाटर का लॉस हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेशन कहते हैं मेनली ये जब uh, ज्यादा गर्मी का सीजन हो जाए तो आप उस केस में देखते हैं कि वाटर वेपर के थ्रू क्या होता है प्लांट के uh, पास से सारा पानी क्या होता है वेपर के फॉर्म में uh, लॉस हो जाता है थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स अ वैक्यूम वैक्यूम क्या होता है किसी भी चीज को प्रेशर देता है ठीक है तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है पुल करता है वाटर को एक सक्शन जैसा ये काम करता है जो कि क्या करता है वाटर को सक करता है थ्रू दी कॉलम फ्रॉम जाइलम जाइलम क्या करता है मेनली वाटर को कैरी करने का काम कौन करता है जाइलम करता है तो ये क्या होता है वाटर को पुल करने का काम करता है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं अब हम समझ लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स ठीक है प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जब उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का यूटिलाइज होगा तभी क्या होगा खाना जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाएगा और ये क्या होता है एक एक्टिव प्रोसेस होती है और इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है जबकि ये बात हो रही है फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है मेनली फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है तो फ्लोएम टिश्यू के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है और जो जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है क्योंकि वो क्या होता है रूट से जो वाटर जा रहा है या मिनरल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है स्टेम के पास जा रहा है तो यानी कि हायर टू लोअर उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसीलिए उसमें एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और वो एक पैसे प्रो, प्रोसेस होती है या फिर पैसे ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में अब देखते हैं फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन तो फ्लोएम से जो भी सब्सटेंस क्या हो रहा है पास हो रहा है या फिर फ्लोएम के थ्रू जो भी फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो बोथ दोनों डायरेक्शन में जाता है यानी कि अप टू लो एंड लो टू हाई तो दोनों प्रोसेस हो सकती हैं जब खाना जो है फ्लोएम के थ्रू जा रहा है तो इस केस में ये देखने को मिलता है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की ट्रांसलोकेशन क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है फूड का ट्रांसफर कैसे होता है ये ये यहाँ पे मेनली बात की जा रही है तो फूड का ट्रांसफर कहाँ से होता है लीव में फूड जो होता है सिंथेसाइज होता है फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं लीवस को कहते हैं और ये डिफरेंट पार्ट में जाता है खाना जब लीफ में बन जाता है तो उसके बाद दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं ट्रांसलोके तो ट्रांसपोरेशन कैसे होता है लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एरियल मतलब होता है एक्सियल ठीक है टॉप रूट आ, के टॉप पार्ट से जो भी लॉस होता है प्लांट प्लांट से वाटर का उसे बोलते हैं हम ट्रांसपरेशन इसका फंक्शन क्या होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर््पन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ पुल तो ये किस में मेनली uh, हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में अपवर्ड मूवमेंट अगर कराना है तो इसमें भी ये ट्रांसपोरेशन का प्रोसेस जो है हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग अ पुल मतलब एक जोर जैसा लगेगा वाटर uh, को क्या करने में अपवर्ड आने के लिए सेकेंड पॉइंट इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट अगर सपोज बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस केस में क्या होता है प्लांट uh, प्लांट को क्या चाहिए थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो उस केस में ये क्या करता है ज्यादा पानी को एब्सॉर्व कर देता है तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये क्या करता है हेल्प करता है तो हमने यहाँ पे देखा इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट या फिर उसको आप सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया है अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो है एक्सक्रीशन ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो आई होप आपको ये सारी चीजें जितनी अभी तक बता चुकी हूँ वो समझ में आया होगा और आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो थैंक यू सो मच एवरीवन